उत्तर प्रदेश के जिला एटा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा घर घर तिरंगा अभियान के तहत सकीट बिला के गांव इशारा दत्तपुर, कमालपुर, मई, नंदपुर, नजीरपुर सहित लगभग दर्जन भर गाँव में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकाली गई। बता दें कि इस दौरान इस यात्रा में प्रमुख रूप से कार्यक्रम के प्रमुख जिला ग्राम विकास प्रमुख आरएसएस प्रदीप कुमार, सुनील चौहान, प्रधान कुलदीप मंडल, कार्यवाह खंड प्रचारक रवि कांत, नगर कार्यवाह सुमित और खंड कार्यवाह मुकेश, इसके अलावा शहर खंड कार्यवाह सोनू सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज के तय कार्यक्रम के अनुसार संघ के कार्यकर्ता मोटरसाइकिलों पर सवार होकर दर्जन भर गाँव में भ्रमण करने पहुंचे। उनके द्वारा जमकर पूरे क्षेत्र में नारेबाजी हुई और इस दौरान लोगों को तिरंगा के महत्व और आज़ादी के महत्व को बताया गया। गौरतलब है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर भी शनिवार को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी वहां पर मौजूद थे। पूरे देश में इस अभियान को पूरे संघ का समर्थन प्राप्त है और पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मना रहा है। आप देख रहे थे द दस्तक 24 की रिपोर्ट।